महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन शनिवार को महाराष्ट्र का चुनावी पारा अचानक बहुत हाई हो गया। पीएम मोदी ने जहां तमाम सौगातों की बौछार की, तो वहीं कांग्रेस पर तीखा वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजा देंगे। कांग्रेस का लक्ष्य है बांटो और शासन करो। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी का महाराष्ट्र मिशन, ये चार तस्वीरें बेहद खास हैं। जब वाशिम स्थित पोहरा देवी में जगदम्बा माता मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और पारंपरिक नगाड़ा बजाया। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे, जहाँ संतों को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। इन सबके बीच पीएम के पारंपरिक नगाड़ा बजाने वाली ये तस्वीर कहीं न कहीं महाराष्ट्र के सियासी रण के लिहाज से काफी कुछ कहती है। एक तरफ शनिवार को हरियाणा में मतदान और महाराष्ट्र का चुनावी बिगुल बजने वाला है, तो मतलब ये है कि महाराष्ट्र का चुनावी साल और सौगातों की बौछार। पीएम ने महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास योजनाओं की शुरुआत की। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए ड्रग्स जो जब्त हुई उसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तल्क लहजे में कहा, कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेल कर मिलने वाले पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस नेता ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। कांग्रेस चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार बनने पर ये जनता के शोषण के नए नए तरीके खोजते हैं। वहीं पीएम मोदी ने वाशिम में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। नवरात्रि के इस पावन पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पीएम ने बंजारा समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की सराहना की और कहा कि आजादी के बाद से इस समाज की लगातार उपेक्षा होती रही है। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था, लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। महाराष्ट्र में चुनाव का नगाड़ा बजने वाला है, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। पीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया और गरीबों को और गरीब बनाने का आरोप लगाया, साथ ही कांग्रेस से सावधान रहने को कहा। जाहिर है दोनों दलों के बीच तल्खी अभी और बढ़ेगी, देखना होगा महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या है। मुंबई से भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।